हाँ सावित्री जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा ना। हाँ जी हाँ जी, अच्छा ठीक है, मैं बता दूंगी सबको। ओके, सावित्री जी का फोन था, वो कह रही थी कि पवन और तन्वी की शादी का मुहूर्त दिन के 2 बजे का निकला है, 1 घंटे पहले घर से बारात निकलेगी और हल्दी भी सुबह सुबह हो जाएगी, है कि नहीं? हाँ, और ऋषि और तनु की शादी का मुहूर्त 4 बजे का है, तो ऐसा करेंगे कि हम लोग जो बारात है ना, रानो, हमें थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा। क्या है कि शादी चाहे तन्वी की हो या तनु की, है तो दोनों इसी घर की बेटियां। हाँ वो तो ठीक है, पर ऋषि की बारात निकलेगी तो पोचर के घर जाएगी ना। हाँ निकल जाएगी बारात, हम लेके निकलेंगे ना बारात को। अरे शादी तो एक ही बार होती है, बस निकल जाएगी बारात। ऋषि, ऋषि, ऋषि बेटा, तूने अभी तक इस पे पट्टी नहीं बांधी? हाँ मैं बांध लूंगा मॉम, थैंक यू। अच्छा सुन बेटा, वो कल तेरी शादी है, कल तेरी बारात निकलेगी, घोड़ी पे चढ़ेगा तू। कल किससे होगी मेरी शादी, किसके लिए होऊंगा मैं घोड़ी पे सवार? नाना, अब किसी के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि कहते हैं ना कि जब दूल्हा अपनी बारात में घोड़ी पे बैठने के बाद किसी के बारे में सोचता है तो वो ही उसकी घोड़ीदार हो जाती है, मेरा मतलब है जोड़ीदार हो जाती है। तो अब अपनी बारात में घोड़ी पर बैठने के बाद ही सोचना, और सिर्फ तनु के बारे में, समझे कि नहीं? जी चाची, उसके बारे में सोचूंगा जिसके साथ मेरी घोड़ी, मतलब मेरी जोड़ी बनेगी, जिसके लिए घोड़ी चढ़ूंगा, है कि नहीं? बिल्कुल, एक मिनट। और फिर घोड़ी चढ़ के मैं तन्वी के बारे में सोचूंगा, सिर्फ मेरी तन्वी के बारे में, मेरी तन्वी। ये इतना खुश होकर के क्या सोच रहा है? उसमें सारा करना ही है। सुन बेटा, तन्वी उठ गई? हाँ जी, दी को ही दवाई देने जा रही थी। लाओ, दवा मुझे दो, मैं देता हूं। मैं तन्वी के उठने का इंतजार कर रहा था। अंकल आप दवाई क्यों लाए? अंकल, मेरा मतलब है बाबूजी, घर में इतने सारे लोग हैं, कोई भी ले आता। बाबूजी से बहस करती है? बाबूजी दवा लाए हैं ना, चुपचाप खा ले। वाहेगुरु तेरी जिंदगी को रोशन करे, तूने मेरे बेटे ऋषि की जान बचाई, थैंक यू पुत्र, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मत बोलिए पुत्र, मैं जानता हूं कि मैं ऋषि को बहुत डांटता हूं, उसके साथ बहुत सख्ती से पेश आता हूं, उसे बहुत भला बुरा कहता हूं, मैं जुबानी तौर पे ऋषि को खरी खोटी सुनाता हूं, और मेरा भाई गुरु ही जानता है ये दिल एक बाप का दिल है, और ये दिल अपने बेटे से बहुत प्यार करता है। तूने आज इस दिल को, एक बाप के दिल को बार बार रोने से और मर मर के जीने से बचा लिया, तूने ऋषि की जान बचाई है बेटा। आज अगर तू ना होती तो ऋषि शायद चिंता ही नहीं होता। थैंक यू पुत्र, थैंक यू सो मच। जत चर के वर में खाए।
आंखों में ऋषि के लिए जो दर्द है, जो फिक्र है, उसको देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। पर क्या करूं बेटा, हालात कुछ और समझते हैं। हालात इतने मुश्किल ना होते, इतने उलझे हुए नहीं होते तो मैं तुम्हें अपनी बहू बना लेता। जैसे सुंदर, सुशील और प्यारी तो मुझे कहीं कोई दिखाई ही नहीं देती। बेटी का रिश्ता हो या बहू का रिश्ता, हर रिश्ते में तू ही तू दिखाई देती है। लेकिन क्या करूं, किस्मत को कुछ और दिखाई देता है। कोई बात नहीं बेटा, हर जन्म में बाप बेटी के रिश्ते में किस्मत को थोड़े आने दूंगा। इस जन्म में ना सही, किसी और जन्म में मैं अपनी बेटी को अपने बहू जरूर बनाऊंगा। ये मेरा वादा है तुझसे, तेरी हर दुआ को बोल लो पूरी हो, तुझे हर चीज मिले, दुनिया की हर खुशी मिले, तुझे सब मिले जो तू चाहती है। भाई गुरु तेरे ऊपर अपनी मेहर हमेशा बनाए रखे। छोटे कहाँ था तू यार, जब तुझसे बात करनी होती तू मिस्टर इंडिया तरह गायब हो जाता। नहीं भाई वो थोड़ा बिजी था, बिजी के साथ में वो थोड़ा ये बात छोड़। तेरे भाई ने फुल एंड फाइनल फैसला कर लिया है क्या कि वो तन्वी से शादी करेगा? तन्वी के साथ? हाँ। भाई यार पागल हो गए हो क्या, रोज रोज अपनी दुल्हन क्यों चेंज करते रहते हो भाई? हाँ एक मिनट, मैं कल सुबह आपके पास आया था पूछने कि पवन चवन का पर्दाफाश कैसे करना है, ये आगे की प्लानिंग क्या, तो आपने क्या कहा? आपने डांट दिया मुझे। सॉरी यार, वो क्या है कि तू जानते मैं थोड़ा पागल हूँ ना, मेरा दिमाग खराब था, पर अब मेरे दिमाग के पुर्जे बिल्कुल सही जगह फिट है। हाँ देख मेरे पास प्लान है, तू बता प्लान कैसा। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा रिस्की है, पर प्लान बहुत कमाल का है। इस बार जो प्लान है मेरे पास वो बहुत स्मार्ट है, बिल्कुल मेरी तरह। अब ध्यान से तुम प्लान क्या है। देख प्लान ऐसा है कि एक मंडप एक शादी, दो मंडप ठीक है, दो दुल्हन ठीक है। अब तनु जो होगी वो रेड साड़ी में होगी, तन्वी जो होगी वो येलो साड़ी में होगी। ध्यान से सुनना ठीक है। अब हम सबको बता देंगे तन्वी मतलब रेड, तनु मतलब येलो। अब हम लास्ट में दोनों को एक्सचेंज कर देंगे, तो मतलब क्या हुआ, तन्वी जो रेड में थी वो येलो में आ गई और तनु जो येलो में थी वो रेड में आ गई। अब तू सोचेगा चेहरा नहीं दिखेगा क्योंकि बहुत लंबा घूंघट होगा, और तन्वी जो है जो पहले रेड में थी वो येलो में आई, वो मेरे पास बैठी, तो लोग लगेगा तनु मेरे पास बैठी है। कैसा लगा मेरा दुल्हन एक्सचेंज प्लान? बहुत ही घटिया प्लान है, घटिया सेल के घटिया एक्सचेंज ऑफर से भी घटिया प्लान है ये। क्यों? अरे भाई यार आप पागल हो गए हो रियली? उस आइटम नंबर तनु को जब पता लगेगा कि पवन चवन के साथ में मंडप पे बैठी है तो घूंघट के अंदर से कुछ दिखेगा नहीं क्या? हाँ अरे वो तब तो छोड़ो, वो तो शादी के लिए रेडी होगी नहीं। आप अपनी तन्वी की बात ले लो, जब उसको ये बात पता लगेगी ना तो वो पूरे का पूरा शादी का मंडप सर पे उठा लेगी, और फिर आपकी ये जो तनु वेज ऋषि जो इतनी बड़ी फिल्म है ना वो सुपर फ्लॉप हो जाएगी, सुपर प्लान फेल हो जाएगा भाई। अरे हाँ भाई, अरे यार उस फिल्म में भी ना कंगना ने जिमी को छोड़ दिया था माधवन के लिए। हाँ रियली, पर आपकी जो कंगना ना वो तो जिद करके बैठी है और जिद ली हुई है कि भैया उसे तो पवन के नाम का ही कंगन पहनना है। सांस ले, तूने बातें बिल्कुल सही कही है, पर मेरे पास और कोई प्लान नहीं था यार। मेरे पास प्लान है, आपसे भी बेटर प्लान। हाँ क्या, बताना। यूवी भाई को आने दो, फिर बताऊंगा। देख बता, बताना प्लान क्या है प्लीज। यूवी भाई को आपने कब से नहीं देखा, बताओ। क्यों? अरे भाई क्योंकि जब आपकी तन्वी को चोट लगी थी ना और हमारी फैमिली सारी फैमिलीज तन्वी के आसपास में थी और पवन चवन की फैमिली भी उसके पास में थी, तब मैंने यूवी भाई ने मिलके ना एक थोड़ा सा सॉलिड प्लान बनाया। क्या बोल रहे? हाँ भाई, ये प्लान था कि उस पवन चवन के घर में डायरेक्टली बेडरूम में घुस के एक हिडन कैमरा छुपाने का। हाँ, जिससे पवन को पता भी नहीं लगेगा। यही इसी को फॉलो अप करने यूवी भाई गए। मैं सची? अरे भाई मुच्ची, ये दोनों ना दुनिया वालों के सामने देवर भाभी ये सब नाटक करते हैं ना, हम आपके हैं कौन, ये रेणुका शर्मा सलमान खान जैसे। अरे भाई अकेले कमरे में दोनों कुछ ना कुछ तो करते होंगे। आगे बता। आगे क्या बताऊं, आगे की प्लानिंग तो वो लोग करेंगे ना, मियां बीवी मिलके। बस हमारा जो हिडन कैमरा है ना वो उसको कैप्चर करेगा और हम लोग
उस क्लिपिंग को लेके 70 mm पे रिलीज बड़े पर्दे पर रिलीज होगा, बड़े पर्दे पे रिलीज करना है। उसके बाद पवन की बैंड बच जाएगी और पवन और तन्वी की शादी की बैंड से पहले ही पवन और तन्वी की शादी टूट जाएगी। छोटे तू, लेकिन छोटे ऐसे तो तन्वी की शादी टूटेगी, तनु से मेरी शादी कैसे टूटेगी? वो भी मैं ही बताऊं क्या? एनीवेज बता दो, देखो जब आप तनु के साथ में शादी के मंडप में बैठोगे ना, तो अपना वो सबसे पुराना वाला फॉर्मूला अपनाना। जब हमारे अरे जल्लाद बाप आपको वो पंच मारते थे ना, तब अपनाते थे, याद करो वो हाँ, वो वाला हाँ, पंच, हाँ, इसको देख के ना बस हमारा वो जल्लाद बाप उल्लू बन जाए। हाँ, बाकी सब उल्लू है। हाँ, exactly, हाँ। यूवी मेरे भाई तो प्लान सब कुछ सेट है, फिक्स है। यूवी भाई अब टेंशन मत लो, भाई ना वापस से तन्वी तन्वी करने लगे प्यार में। मुझे पता था यार ये तन्वी वेयर जी नहीं सकता। अच्छा वो मैंने कैमरा सेट कर दिया। अब तुम दोनों ध्यान से सुनो, पवन के बेडरूम में जो फ्लावर वास है ना, उसके ठीक पीछे मैंने कैमरा चला दिया। अब वहां से उसका सिर्फ बेड नहीं पूरा बेडरूम के दर्शन होंगे, और पवन चमन अब जितनी भी रासलीला मचाने वाला है ना, वो सारे के सारे रिकॉर्ड होंगे। एग्जैक्टली। यूवी यार थैंक्स यार, मैं भी हूँ। थैंक्स, यू वेलकम। थैंक्स यार, बस बस एक बात की टेंशन है कि यार सलोनी आज बैठ के किसी भी कोने में सो जाए, बस पवन के साथ एक ही बेड पे सो जाए, क्योंकि अगर कैमरे में पवन अकेला कैप्चर हुआ तो अचार डालेंगे उसका। आज आज रात आखिरी आखिरी चांस है हमारे पास, बस पवन के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का। बस भगवान करे कुछ सबूत मिल जाए पवन के खिलाफ। आज की रात बस आखिरी चांस है यार। आज रात पति और पत्नी वाली हमारी आखिरी रात है, कल से तो तन्वी आ जाएगी और हम दोनों को दीवे भाभी के कैरेक्टर्स में रहना पड़ जाएगा। ऋषि, क्या हुआ बेटा, भूत देख लिया क्या तूने? भूत नहीं, उसने मुझे देखा है। आप कोई भूत से कम थोड़ी ना हो। सही कह रही है माँ, अरे भूत तो लग रहे थे आप, कितना सा सपना देखा था पापा जी यार। हाँ तू कुछ बुदबुदा तो रहा था लेकिन समझ में नहीं आया। चल चल इधर आ। अरे आना यार माँ, तू भी ना। क्या हुआ यार ये? अरे ये क्या कर रहे हो यार? हल्दी है, आज तेरी हल्दी और शादी दोनों है, जल्दी से आ जा, लड़कियों ने तुझे हल्दी लगानी है। हाँ। मुझे हल्दी नहीं पसंद, वो एलर्जी है मुझे हल्दी से। क्या बात कर रहे ऋषि तू, तुझे पता है हल्दी लगाने से ना मुंह चमक जाता है, और वो दोनों लड़कियां ना कप के नीचे आ चुकी है, तनु और तन्वी की तो हल्दी शुरू भी हो गई है। हाँ। तेरी बाकी है, चलना पुत्र छेती चलना, सब बुला रहे हैं। किसी हाल में भी मुझे तन्वी को देखना है कि हल्दी लगा के कैसी लगती है। अब हल्दी है ना। हाँ। तो चलो भाई, कितने टाइम वेस्ट करता है। चलो चलो चलो, एक मिनट, इधर क्या, कैसा लड़का है तू, कभी हाँ करता कभी ना करता है। हाँ? वो मैम आपने कहा ना कि स्किन चमकती है हल्दी लगाने से, बस ठीक है। और वैसे पापा जी ने छिप छिप के क्रीम लगाई, देखो इतने चमक रहे हैं। हाँ? ओए, क्रीम लगा तो मेरी आपने। मम्मी क्रीम खत्म कर दिया होता है। तभी मैंने बोला मेरी क्रीम खत्म कैसे होगी। हाँ? आप मेरी क्रीम लगाते हो पता कितनी महंगी है, अमेरिका से लेकर के आई हूँ मैं। मैंने लगाई नहीं, सिर्फ इंस्ट्रक्शन पड़ी थी। वही इंस्ट्रक्शन पड़ी थी। हाँ, पूरी क्रीम खत्म। ऋषि
ओ लो जी, ओ दामाद जी आ गए जी। कल मैं जरूर शादी करूंगा और मेरी शादी तुमसे होगी, सिर्फ तुमसे। आओ जी दामाद जी, जरा घुल मिल लें, मतलब कि हल्दी घुल के मिल गई है जी आपको लगाने के लिए। आ जाओ जी, आ जाओ आराम नाल बैठ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ पुत्र। चल अच्छा बैठ जाओ दामाद, बैठो। आपका ही इंतजार हो रहा था, दोनों दुल्हन की हल्दी तो शुरू भी हो गई है, बस आपकी शुरू होनी है जी। अरे बीजी आइए जल्दी से, अपने होने वाली बहू को अपने हाथों से हल्दी लगा दीजिए, हम तो लगा चुके भाई। हाँ हाँ अपने हाथों से ही लगाऊंगी, पैरों से थोड़ी ना लगाऊंगी। मैं तो सबसे पहले अपने पोते को हल्दी लगाऊंगी। ममता बेटा एक काम करना, तू ना इनकी तन्नू को हल्दी लगा दे। अब बीजी इनकी उनकी क्या होता, अब तो आपकी बहू हो गई है कि नहीं? हाँ अभी तक तो नहीं हुई है। नहीं हो तो अच्छा है, भगवान करे कभी ना। अरे पीछे ये क्या कर रहे हो, हल्दी लगा रहे हो कि गालों को दबा रहे हो, क्या हुआ गुस्से? तू नहीं जानता क्या हुआ? हाँ नहीं, अपनी बीजी से उस जलेबन को, मेरा मतलब है तन्नू को हल्दी लगवा रहा है। हाँ तुझे शर्म नहीं आती? तू तो बड़े अपने आप को हीरो समझता था कि मैं हीरोइन को लेकर भाग जाऊंगा, और अब वो किसी और के साथ जा रही है। पता है तुझे, तूने अपने बीजी का नाम मिट्टी में मिला दिया है। मिट्टी नहीं हल्दी का, ये सोचो कि आप तन्नी के नाम की हल्दी लगा रहे हो। हाँ मतलब अब मेरे और तन्नी के हल्दी फंक्शन में, ये सोचो। अच्छा तू मुझे ना हल्दी के सपने दिखा रहा है, पर मैं नहीं मानने वाली। अगर तेरी और तन्वी की हल्दी हो रही है तो हल्दी उसे लगनी चाहिए ना, तन्नो को क्यों? अच्छा तू भी क्या याद करेगा, तेरी हल्दी ना ले जाके तन्वी को लगा देती हूँ, पर हाँ मैं तेरे बदले ना तन्वी के साथ फेरे तो नहीं ले सकती ना। आज तो मुझे तू सच सच बता दे, तेरा ये अमेरिकन ऋषि तेरे से शादी करने के लिए कैसे मान गया? बताया तो था तुझे कि प्यार करता है वो मुझसे, उसे देख के मुझे लगता है ना कि तुझसे प्यार करता है वो। ठीक है मत यकीन कर, किस्मत सही समझ ले। ये ले तेरी किस्मत ने आज तुझे हीरोइन बना दिया। होता है कभी कभी चौल की लड़की की किस्मत भी भगवान करोड़ों की चादर में लपेट देता है, तू लपेट, मैं तब तक के तन्वी को हल्दी लगाती। ठीक है अरे अरे रुक जा, पहले मैं लगाती हूँ, तू उधर चली जा। मैं ना ऋषि की हल्दी लाई हूँ उसकी बीवी को लगाने के लिए। तू चाहती थी ना रस्मों रिवाजों और समाजों के तरीके से तेरी शादी हो, तो मैं ना समाज की सबसे बड़ी हूँ बीजी। तो मैं तुझे हल्दी लगा रही हूँ रिवाज के साथ।